सिरसा ज़िले को फ्लड से बचाने के लिए इस साल फ्लड कंट्रोल बोर्ड में 5 काम मंजूर हुए थे, जिसमें सुखचैन डिस्ट्रीब्यूटरी के बैंक्स को स्ट्रेंथन करना था, जो कि काम इन प्रोग्रेस है। एक जो पाइप क्रॉसिंग्स थी, जिनमें जो पिछली बार लीक हो गई थी, उनके दोनों तरफ फेस वॉल बनानी थी, वो काम को कंप्लीट कर लिया गया है। एक लिंक बंद बनाना था घग्गर रिवर और सुखचैन डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में, उसके सेक्शन 4 हो गए हैं और उसके सेक्शन 6 बनाए जा रहे हैं। जो घग्गर रिवर के बंद थे, उनकी जो क्रिटिकल रीचेज़ है उनको स्ट्रेंथन करना था, वो काम इन प्रोग्रेस है और 15-7 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और एक रंगोई खरीफ चैनल है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी, ये काम नरेगा में किया जाना था और जो कि इन प्रोग्रेस है और जिसकी क्रिटिकल रीचेज़ का काम कंप्लीट हो चुका है। पानी की पोजीशन इस टाइम लेटेस्ट पोजीशन है, आज तकरीबन 5000 क्यूसेक पानी ओटू पर आ रहा है, जिसमें से 1500 क्यूसेक हम अपनी नहरों में यूटिलाइज कर रहे हैं और 3500 क्यूसेक ओटू के डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। ये है सर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से रंगोई खरीफ चैनल आ रही है यहाँ तक, ये हमारा सिरसा जिले में, इस पॉइंट से लेके और ये रेलवे लाइन तक, ये रंगोई खरीफ हमारे पास टोटल इतनी होगी, एक पहला रीच यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ, ये पार्शियल कटिंग पार्शियल फिलिंग में है और ये सारा राइस बेल्ट है। यहाँ से जो पिछली बार फ्लडिंग हुई थी, इस पोर्शन की हमने कैपेसिटी सारी की बढ़वा दी। और भी था सर काम जो हमने प्रोजेक्ट और ये क्रिटिकल रीचेज एट 8।